हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर का जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप आर ओ आर ओ की एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर रेलवे पुलिस का एग्जाम देंगे या फिर जो आप रेलवे का एग्जाम देंगे या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से जो आपका आर ओ का एग्जाम है उसके लिए है, क्योंकि आप 6 दिन बाद एग्जाम है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। आप लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट के समय में रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय केवल आप लोग रिवीजन करिए, नई चीज़ों को मत पढ़िए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी जीके और करंट अफेयर के सीरीज को चला रहे हैं। मुख्य रूप से हिंदी और करंट अफेयर के सीरीज जो है हमारे चैनल पर चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और घंटी का आएगा उसको भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर है 16 जुलाई 2017 को मद्रास संगीत अकादमी द्वारा नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है भरतनाट्यम नृत्यांगना लक्ष्मी विश्वनाथन को। अब देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो संगीत अकादमी द्वारा ये दिया गया नृत्य कला निधि पुरस्कार, ये इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। और 2017 का किसको दिया गया है? ये दिया गया है लक्ष्मी विश्वनाथन। ये एक भरतनाट्यम करने वाली नृत्यांगना है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि लक्ष्मी विश्वनाथ किससे संबंधित है, किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2017 के गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के 6 विजेताओं में शामिल भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर है प्रफुल्ल समंत्र। प्रफुल्ल समंत्र जो हैं ये भारतीय कार्यकर्ता हैं जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के 6 विजेताओं में शामिल हैं। अगला करंट अफेयर, 8 जून 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को किस कार्य हेतु WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु। जो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण है उसके योगदान में, मतलब उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को दिया गया है ये अवार्ड। किसके द्वारा? ये अवार्ड जो है WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार है ये दिया गया है, मुख्य रूप से WHO के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला, 18 अप्रैल 2017 को साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की? इसका उत्तर है अनिरुद्धन वासुदेवन। याद नाम फिर से पढ़ लीजिए, अनिरुद्धन वासुदेवन। इनका जो पुस्तक है उसका नाम है वन पार्ट वुमेन। ये मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के में अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, चूंकि अनुवाद की है पुस्तक का इसलिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। तो यहाँ समझ सकते हैं, एक तो इनका नाम भी है अनिरुद्धन, तो आज से अकादमी, ठीक, आज से अनुवाद, दो आज से समझ गए, तो यहाँ से आप ट्रिक लगा लीजिए क्योंकि लास्ट समय में आपको इसी प्रकार से समझना होगा। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? अब यहाँ पर तो बिल्कुल भी आपको बताना नहीं है, माइंड में आपके फिट हो गया। देखिए, वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लास्ट समय में जो रिवीजन करा रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे तो आप उसको सॉल्व करने की कंडीशन में एकदम रहेंगे। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर दूरसंचार क्षेत्र में और दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता, तो डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न, 8 मार्च 2017 को बंगलौर में BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में महिला खिलाड़ी हेतु प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है शांता रंगास्वामी को। ये क्या है? ये वार्षिक पुरस्कारों में जो महिला खिलाड़ी हेतु प्रथम जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये है, ये BCCI के जो वार्षिक पुरस्कार उसमें शामिल है। अगला, वर्ष 2016 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? अब देखिए, कृषि विज्ञान प्रोत्साहन किसको दिया जाएगा? जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे, कृषि क्षेत्र में विकास करेंगे, तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो पूसा में है नई दिल्ली, उसको प्रदान किया गया है। अगला करंट अफेयर, हार्वर्ड फाउंडेशन द्वारा हार्वर्ड पीटर जे गोम्स ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2017 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है गायिका रिहाना जो अमेरिका से हैं वर्ष 2016 में, और आंग सान सू जो म्यांमार से हैं इनको भी प्रदान किया गया है। ठीक, मतलब 2017 में गायिका रिहाना को प्रदान किया गया है और 2016 में आंग सान सू जो म्यांमार से हैं उनको प्रदान किया गया। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपसे 16 भी पूछ सकता है या फिर 17 भी पूछ सकता है। अगला, 13 मार्च 2017 को 27वां GD बिड़ला पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजन नारायण शंकर नारायण को, GD बिड़ला डॉक्टर राजन शंकर नारायण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांतारामा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, इनका नाम है श्याम वेनेगल, तो शांताराम लाइफ टाइम, तो श्याम से शांताराम यहाँ समझ सकते हैं, श्याम बेनेगल को
प्रतिष्ठित जो डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसको प्रदान किया गया और ये 2018 का है। अगला 10 जनवरी 2018 को वैश्विक यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक 24वें क्रिस्टल अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें शामिल बॉलीवुड अभिनेता कौन है? तो इसमें शामिल जो बॉलीवुड अभिनेता वो शाहरुख खान, ठीक, याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, शाहरुख खान शामिल हुए थे। अगला 29 दिसंबर 2017 को KPS गिल फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रथम फियरलेस इंडियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है नीलम शर्मा को, नीलम शर्मा को फियरलेस इंडियन पुरस्कार, ठीक। अगला 22 दिसंबर 2017 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 13वां नवलेखन पुरस्कार 2017 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है आलोक रंजन को, आलोक रंजन को क्या, नवलेखन पुरस्कार 13वें नंबर का, ठीक, 13वें नंबर का आलोक रंजन को नवलेखन पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और किसके द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। अगला मिस इंडिया यूएस 2017 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है श्री सैनी ने। अगला प्रथम स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका उत्तर है रेखा, जो ये क्या है, ये बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, तो इनको स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। अगला श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका उत्तर है रामदेव धुरंधर, रामदेव धुरंधर को क्या दिया गया है, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2017। अगला 17 सितंबर 2017 को UNDP द्वारा प्रदत्त इक्वेटर पुरस्कार 2017 के 15 प्राप्तकर्ताओं में एशिया प्रशांत क्षेत्र से NGO स्वयं शिक्षण प्रयोग भी शामिल है जो संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र में जो पुणे वहाँ से संबंधित है। ये मुख्य रूप से UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके द्वारा ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आता है, मानव विकास सूचकांक, उसी के द्वारा प्रदत्त इक्वेटर पुरस्कार 2017 है, मतलब इक्वेटर पुरस्कार 2017 है ये दिया जा रहा है, जिसमें 15 प्राप्तकर्ताएं शामिल हैं। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र से एक NGO जिसका नाम है स्वयं शिक्षण प्रयोग, ये महाराष्ट्र से संबंधित है यानी भारत से, इसको भी दिया जा रहा है। अगला 15 अगस्त 2017 को प्रेम नज़ीर पुरस्कार 2017 किस भारतीय दक्षिण भारतीय अभिनेत्री को प्रदान किया गया? तो देखिए, अभिनेत्री हैं शारदा, इनको दक्षिण भारत की अभिनेत्री हैं, इनको प्रेम नज़ीर पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया है। अगला 1 अगस्त 2017 को पुणे स्थित तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयुर्वेद एवं देसी वनौषधियों के लिए चलाए जाने वाले जन अभियान के लिए किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है आचार्य बालकृष्ण। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है, ये जो आयुर्वेदिक या देसी जो वनों से, जो फूल पौधों से, जंगली जो पौधे होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, ये औषधि बनाते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पतंजलि किससे संबंधित ये हैं, तो आपको पता ही है पतंजलि जो है आयुर्वेद औषधि संबंधित है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इस पुरस्कार का क्या नाम है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अगला 6 जुलाई 2017 को स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड इंडिया मैगजीन द्वारा वितरित वार्षिक पुरस्कारों में से किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा, ये नाम तो आप समझेंगे। ये जो दिया जा रहा है पुरस्कार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दिया जा रहा है स्पोर्ट्स इलेक्ट्रेड इंडिया मैगजीन के द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2015-16 के अंतर्गत स्वच्छता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तेलंगाना सरकार को, तेलंगाना सरकार को क्या प्रदान किया गया है, स्वच्छता पुरस्कार, और ये पुरस्कार राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अगला करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय पोषाहार विज्ञान संघ IUNS की 21वीं अंतर्राष्ट्रीय पोषण कांग्रेस में किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लीजेंड अवार्ड प्रदान किया गया है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिविंग लीजेंड अवार्ड, ये किसको दिया गया है, मेहताब बामजी को, मतलब बामजी को लिविंग लीजेंड अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला गोल्डन ट्रैक्स अवार्ड 2017 के अंतर्गत पुरुष यूरोपियन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जोहानेस विक्टर, जो जर्मनी के हैं, उनको मिला, और महिला वर्ग के तहत यह अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है आई कैटरीनी स्टेफानिदी, ग्रीस की हैं, इनको दिया गया, मतलब जर्मनी और ग्रीस, जर्मनी में जो पुरुष हैं और ग्रीस में ये महिला वर्ग की हैं, तो इन दोनों लोगों को प्रदान किया गया है। ये है गोल्डन ट्रैक्स अवार्ड 2017, ये यूरोपियन एथलीटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ठीक। तो ये मतलब ये अवार्ड इसके तहत दिया गया है और इसका नाम है यूरोपियन एथलेटिक द ईयर अवार्ड, और ये पुरुष के अंतर्गत जर्मनी के पुरुष को और जो महिला है जो ग्रीस की खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। आगे हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत एन्ना पोलित्सोवस्काया, पोलित
पुलिस को वस्काया पुरस्कार 2017 किसे चुना गया है? तो गौरी लंकेश। आपको पता है कि इनकी जो है हत्या हो गई थी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस आधार पर, मतलब इनकी मृत्यु के पश्चात इनको दिया गया है, तो मरणोपरांत दिया गया है कि गौरी लंकेश है। इनके नाम से पत्रिका भी आती है, गौरी लंकेश नाम की पत्रिका। अगला, 17 सितंबर 2017 को अक्कीनेकी नागेश्वर राव इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा किसको अक्कीनेकी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है SS राजामौली। राजामौली जी को क्या प्रदान किया गया है? अक्कीनेकी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये फाउंडेशन इन्हीं नाम से है, तो इसी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये करंट अफेयर का तीसरा पार्ट जो है समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके एग्जाम से पहले आपका रिवीजन करा दिया जाए, क्योंकि करंट अफेयर के वीडियोस हम 1-1.5 महीने पहले से चला रहे हैं, लेकिन लास्ट समय में जो रिवीजन होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप खुद करें या फिर कहीं और से देखें। तो 10 मिनट में आपका रिवीजन हो रहा है, ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बेहतर है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।